तो वीडियो में स्मृति ईरानी कुछ महिला कलाकारों के साथ डांस कर रही हैं और पीछे इसमें संबित पात्रा भी नजर आ रहे हैं। ये वीडियो मणिपुर के इम्फाल का है, जब 2022 में चुनाव प्रचार के वक्त स्मृति ईरानी वहां पर वोट मांगने गई थी और महिला कलाकारों के साथ डांस किया था। वीडियो ज्यादा पुराना नहीं है, एक साल पहले का ही है, फिर भी स्मृति ईरानी जी शायद इस वीडियो को भूल गई है और वहां की महिलाओं को भी भूल गई है कि एक साल पहले ही वहां की महिलाओं के साथ डांस किया था और एक साल बाद वहां महिलाओं के साथ क्या कुछ नहीं हो रहा है। सब कुछ स्मृति ईरानी की आंखों के सामने है, लेकिन फिर भी ना तो वो बोलने को राजी है और ना ही वहां पर महिलाओं के साथ एक भी बार वो सांत्वना देने उन्हें गई हैं, एक भी बार उनसे मिलने गई हैं, कुछ नहीं। वीडियो ट्वीट करते मणिपुर इतिहास में लिखा जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, जो खुदा बंद करने वाला है। सारे शैतान और उसके एजेंट शर्मिंदा होंगे, मैं आपको बता रहा हूं, और लॉन्ग टाइम के लिए तैयार हो जाए वो शर्मिंदा होने के लिए। षड्यंत्र रचते हैं खूब सारे, बोले हालेलुया। कह रहा है बुराई करने वाला रहे वहीं का वहीं, स्तुति करने वाला जाए कहीं से कहीं। उनके लिए उल्टी प्रार्थना नहीं की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं प्रभु छोड़ेगा नहीं, वो एक एक हिसाब लेगा और पूरा लेगा हिसाब, एक एक ब्लड का हिसाब होगा, कतरे का हिसाब होगा। और एक खासकर मणिपुर में कितने लोग देख रहे हैं कि प्रॉब्लम हो रही है, मैं कह रहा हूँ ये मैसेज है मणिपुर वालों के लिए भी। मणिपुर में मेरी टीम जाएगी और हेल्प करके आएगी, जो लोग बीज बोना चाहते हैं हम वहाँ पर खाने का हर चीज़ का प्रोवाइड करेंगे, जो भी उनको हेल्प चाहिए, कपड़े, घर के सामान, जो भी, वो हमारे फोन नंबर पर फ़ोन करें और जो हमारी सहायता करना चाहते हैं, जो मुझे देख रहे हैं वो बीज बोएं, प्रेरित। उनकी छोटी सी हेल्प अगर हम करते हैं आपकी तरफ से, अगर एक रुपये से लेके आप जो चाहें वो दे सकते हैं, क्यू कार पर अपना दशवांत या अपनी गिफ्ट ही मान ले, गिफ्ट के रूप में आप इन्हें भेंट कर सकते हैं और प्रभु आपको आशीष देगा और बीज बोए, आपको गुड न्यूज देगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ अपने सिर पे हाथ रखें सब, किसी समय परमेश्वर तेरा वचन, तेरा कलाम इनकी जिंदगियों में आशीष को लेकर आए और इसी समय गुड न्यूज को लेकर आए। पवित्र आत्मा जी, जो लोग आज बीज बो रहे हैं इनके घर में पवित्र आत्मा जी बड़ी आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो लोग सच में पवित्र आत्मा जी 30 गुना 60 गुना 100 गुना पिता पवित्र आत्मा जी आशीष लेना चाहते हैं, तेरे वचन का कलाम जब खुले, तेरा दिल खुले, तेरी मुट्ठी खुले, तेरा आकाश खुले और स्वर खुलकर, दिल खोल कर इन्हें आशीष दे आदि यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर, जिन्होंने मिस्री में बीज बोए, जो समय छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, बिहार से, यूपी से, देहरादून से, क्या राजस्थान से, कर्नाटका से, यूपी से, बिहार से, पवित्र आत्मा जी प्रार्थना कर रहा हूँ, पंजाब से, दिल्ली से, मेरे पिता हर ब्रांच से जो ऑनलाइन में बीज बो रहे हैं पवित्र आत्मा इस मिस्री में, मेरे पिता पाकिस्तान से, नेपाल से, क्या परमेश्वर जिन्होंने बीज बोया है पवित्र आत्मा जी इन लोगों के घरों में आशीष है, जो गुजरात से, अहमदाबाद से देख रहे हैं, जो पूना से, महाराष्ट्र से देख रहे हैं पवित्र आत्मा, संडे के दिन इनका बीज फलवंत होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जाओ एंजल, मैं रिलीज करता हूं तुम्हें यीशु मसीह के नाम में, उन लोगों के पास जाओ। और हमारी आंखें खोलने का टाइम आ चुका है, हम सोचते रहते हैं हम वचन में चलते हैं, वचन को मानते हैं, पर आज हमें शैतान को ललकारना पड़ेगा। और किस तरह से हम ललकार सकते हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमें अपने जीवन में जो हमने बंधन बांध रखे हैं वो तोड़ने पड़ेंगे। हमें परमेश्वर ने समझ भी दिए, बल भी दिया है और बुद्धि भी दी है, पर न्याय करने का हक श्री परमेश्वर को है। हमें सताव सहना है, ये परमेश्वर का वचन है कि तू चुप रहे और मैं तेरे लिए रक्षा करूँगा, तेरी सहायता करूँगा, तेरी मदद करूँगा, पर परमेश्वर ने हमें ये कहा है कि हमें दूसरों की रक्षा करनी है, हमें हमारे भाइयों को बचाना है, हमें जो मौत के द्वार पे खड़ा है उसे परमेश्वर के करीब लाना है। क्योंकि आज वो इस स्थिति में क्यों बने, सबसे बड़ा वाय वो है, क्योंकि वो स्थिति में क्यों आए, आज वो सताव क्यों हो पा रहा है, परमेश्वर की प्रार्थना उनके लिए काम क्यों नहीं कर पा रही, क्यों वो लोग आज बचाए नहीं जा रहे, क्यों बच नहीं पा रहे। क्योंकि जिस तरह से आटे के अंदर नमक घोल दिया जाता है, जिस तरह से एक खेत के अंदर जंगली पौधे उग जाते हैं और वो एक ऐसी फसल को पैदा कर देते हैं जो फसल पूरे खेत को ख़राब कर देती है, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम उसके दास और दासी, उसके बच्चे कहलाते हैं। तो हमें अब आगे होके आना होगा, जिस तरह से आपने देखा है प्रॉफिट विजेंद्र जी को, आज कोई नॉर्मल बात नहीं है मेरे भाई बहनों, उनने पूरे पंजाब में और यहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड में प्रभु का नाम ऊंचा किया है। नरोला जी ने आज देख सकते हो आप
कितनी बड़ी चर्च और हर एक चीज़ की व्यवस्था प्रभु के नाम से हमारे लिए की, क्योंकि हम सुरक्षित रहे और आज हमारे लिए हुकार भी लगाते हैं और हमें सलाह भी देते हैं और हमें हमारे लिए दुआएं भी करते हैं। तो ये सब वो एक व्यक्ति कर सकता है जो प्रभु ने उन्हें चुना, और वो ताकत आपके अंदर भी है। जब हम एक होकर 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, 1,00,000 हो सकते हैं और अनगिनत हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो ताकत दी है। पर वो जान गए हैं उनकी ताकत को, प्रॉफिट जी, नरोला जी और जितने आज पास्टर हैं वो अपनी ताकत को जान गए, क्योंकि प्रभु ने उन्हें सेवा करने का अवसर दिया है, आपको भी दिया है। आप तन मन धन से सेवा करें, प्रभु आपको 4 गुना देने वाला है। और उदाहरण खुद प्रॉफिट जी हैं, खुद नरोला जी हैं। आज आप देखो कि हिंदुस्तान में मसीहों को अंग्रेज़ों के साथ संबोधित किया जाता है, मसीहों को एक अलग ही जाति ठहराना चाहते हैं, वो इंसानियत को छोड़ उन्हें मारना काटना चाहते हैं। उन भाइयों के साथ जो हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि उनके आगे कोई आना नहीं चाहता है। आज हमारी माँ बहनों के साथ बुरा हो तो हमें चुप नहीं बैठना है, हमें कानूनी तरह से और हमारे बल से जो हम कर सकते हैं, हमारी समझ से जो प्रभु ने हमें दिए उसका उपयोग करना पड़ेगा। तो आगे आएँ और हिम्मत रखें, क्योंकि ये दस्तक जो आज उस शहर में उस जगह पे हो रही है कल हमारे घर पे भी होगी। तो तैयार हो जाएं और किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन ही यही कहता है कि मनुष्य से ना डर। क्यों बोलता है प्रभु? आत्मविश्वास से भर जा। प्रभु वचन में क्यों कहता है कि तू सिर्फ मेरा भय खा, इंसान हमारा कुछ नहीं कर सकता। जब हम आगे आएंगे तो हमारे भाइयों की हिम्मत बढ़ेगी। आप सोशल मीडिया के द्वारा आएँ, आप चाहे तो अपने मसीह भाइयों के द्वारा आएँ, आप मदद करें, आप उन लोगों को उठाएं जो परमेश्वर को जानते नहीं हैं। जानने वाले को तो प्रभु जानता है, परंतु जिनको नहीं मालूम कि प्रभु कैसा न्याय करता है, उनको हमें लाना पड़ेगा प्रभु के जीवन में। तो हिम्मत जुटा लो और प्रभु के काम से भिड़ जाओ और प्रभु के नाम से सेवा करो, मदद करो, दान दो, दशमांश दो, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी उपलब्धि, अपनी मौजूदगी दो प्रभु के नाम से। मेरा मैसेज अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आमीन।